आज के सिनोनिम लिखो, वेहमेंस, दूसरा है विंडिक्टिव, तीसरा विजिलेंस, चौथा है अरबेन, पांचवा अर्चिन, फिर एक टायरो, फिर टेम्पोरल, कितना हुआ? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। नेक्स्ट है टायरेंट के बाद है एक छोटा वर्ड है थ्राइव, THRIV, और एक और छोटा वर्ड है टेनेट, और एक हमने पहले ही बात किया टिनेशियस, और एक है टैबू। इतने वर्ड करते हैं। वेमेंस हम कई बार सुन चुके हैं, सबसे ज्यादा हमने डिबेट में सुना है। ठीक है, आप कहते हैं कि हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गैदर्ड हियर टू डिस्कस अबाउट अ टॉपिक। ठीक है, एंड एज फार एज माय ओपिनियंस आर कंसर्न, आई एम इन द फेवर ऑफ द मोशन, या फिर आप कहते हो आई वेहमेंटली अपोज द मोशन। तो वेहमेंटली अपोज द मोशन का मतलब क्या हुआ? मैं जोरदार तरीके से इस स्टेटमेंट का विरोध करता हूं या इसके विरोध में बोलूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो जोरदार तरीका यानी फोर्स, वेहमेंटली यानी फोर्स, फोर्सफुली। ठीक है, एम्फेसाइज करके, एम्फेसिस। ठीक है, कभी कभी पैशन भी है, पैशन भी फोर्सफुली जो है एम्फेसाइज करके, ऑब्सेशन भी हो सकता है। तो जहां भी कोई चीज फोर्सफुली होती है या फोर्स होता है तो वो वेहमेंट होता है। ठीक है, तो बोलो ये जो डिबेट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, इससे समझ में आ गया कि नहीं? आई वेहमेंटली अपोज द मोशन, यस ये याद रखोगे तो याद रहेगा, मैं जोरदार तरीके से इस मोशन को अपोज करता हूं। ठीक है, विंडिक्टिव हम पहले करा चुके हैं इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बस ये समझ लो कि विंडिक्टिव का मतलब ये है कि अगर आपने जो है सूर्पणखा की नाक काटी तो उसका बदला लेने के लिए कौन आए? खरदूषण आए कि नहीं आए? यस खरदूषण को मारा गया, उनका बदला लेने कौन आया? रावण। रावण। रावण को मारा, रावण ने जो है सीता को उठाया, उनका बदला लेने कौन आए? राम। तो ये बदले की कहानी अगर है तो चलता रहती है। ठीक है, तो विंडिक्टिव और कुछ नहीं है, जब आपके मन में बदले की भावना आ जाए। कुछ लोग तो चीजों को भूल जाते हैं और कहते हैं चलो वक्त के साथ घाव भर गया, कुछ लोग उसको दिल में बैठा लेते हैं और वो हमेशा से एक जो है क्या हो जाते हैं, बदले की भावना से फुल हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को विंडिक्टिव कहा जाता है। तो जो रिवेंजफुल होते हैं, जो बदले की भावना कूट कूट के भर लेते हैं अपने अंदर, रिवेंजफुल, इज नेचर इज इंडिक्टिव, विंडिक्टिव मतलब वो रिवेंजफुल है बहुत। ठीक है, और मैलिशियस भी हो सकता है,
मैलिशियस आपने लिटरेचर में भी पढ़ा है, और बदले की भावना वाला रिसेंटफुल भी हो सकता है, रिसेंटफुल जो फुल ऑफ असंतोष है और उसको बदला लेना रिसेंटफुल, तो ये काफी है विंडिक्टिव के लिए। तो विंडिक्टिव वर्ड याद रहेगा कि नहीं? यस सर। अब विजिलेंस, विजिलेंस बहुत आसान है, तुम्हें पता है कि एक पुलिस का विजिलेंट डिपार्टमेंट होता है, विजिलेंस में है कहते हूं, सुना है विजिलेंस? यस सर। तो विजिलेंस वालों का काम क्या होता है बताना जरा? निगरानी रखना। हाँ, वो शादी वर्दी में होते हैं, शादी वर्दी में होते हैं। निगरानी कौन रख सकता है? जो बहुत अलर्ट हो, निगरानी रखने वाले लोग अलर्ट होते हैं ना। यस सर। जब मैंने तुम्हें विपश्यना मेडिटेशन कराया था तो तुम्हें याद होगा कि मैंने कहा था बी विजिलेंट, हमेशा अलर्ट रहो। तो विजिलेंस बेसिकली और कुछ नहीं है, आपको अलर्ट रहना है, अलर्टनेस को विजिलेंस कहते हैं। अब अलर्टनेस का मतलब हमारा कॉशन लेना भी है। कॉशन मतलब क्या होता है बताओ हिंदी में? सावधानी रखना। बस अलर्ट है तो आप कॉशन को भी ला सकते हैं इसके सिनोनिम में, ठीक है। और विजिलेंस में क्या होता है? अटेंटिव हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा सिंपल में जाए तो वॉचफुलनेस। क्लियर है? यस सर। ठीक है, बी विजिलेंट ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, अलर्ट रहो अपने वेस्टिंग टाइम से। बी विंडिक्टिव टू दोज पीपल हु कमेंटेड ऑन और हु सस्पेक्टेड ऑन योर रिजल्ट ऑफ एलटी, बी विंडिक्टिव टू दोज, ठीक है। और वेहमेंटली अपोज दोज मोमेंट्स विच फोर्स यू टू वेस्ट टाइम, ठीक है। क्लियर हो गया? तीनों को ऐसे करके यूज कर लो तो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं अगला, अरबेन। अरबेन क्या होता है भाई? ठीक है, एक तुम जब आते हो तो कुछ लोग जो है तुम्हारे वहां देखते हैं आसपास, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी कभी लोगों पे कमेंट करते हैं कि उसे किसी चीज की तमीज नहीं है, गांव से आए हुए गंवार हैं, इनको खाने की तमीज नहीं है, इनको चम्मच पकड़ने की तमीज नहीं है। तो कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग जो है शहर के गांव वालों पे कमेंट करते हैं और कहते हैं गंवार है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके सोफिस्टिकेटेड तरीके नहीं होते। लेकिन सोफिस्टिकेटेड तरीके किनके होते हैं? जो शहर में होते हैं या गांव में? शहर में। वो बात अलग है कि हमारा जो है शहर हमें बदल नहीं पाए, हम तो अभी भी वैसे ही हैं जैसे थे, सोफिस्टिकेशन हम में कभी नहीं आया, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों में सोफिस्टिकेशन शहर के साथ आ जाता है, और लाइट गांव वाले भी जब शहर में आते हैं थोड़े सालों में अलग ही बमक्याट दिखाते हो, ठीक है, सोफिस्टिकेशन सो कॉल्ड, ठीक है। अब सोफिस्टिकेशन भी ऐसा होता है उनका कि सांप पकड़ में आता है कि सोफिस्टिकेटेड बन रहा है, ठीक है। इसलिए बी नेचुरल बी ओरिजिनल, किसी को पसंद आए तो सही, किसी को ना पसंद आए तो घर में ठंडा पानी पी के अपना बैठे रहे, हमारी हेल्थ को क्या फर्क पड़ता है, उसके दिल्ली में 10 मकान तो हमारे किस काम के, बोलो सही है कि नहीं? सही है सर, बहुत सही। तो ये शहरी लोग जो हैं ये बड़े सोफिस्टिकेटेड बनते हैं। और तुम जानते हो रूरल और अर्बन में अर्बन का मतलब क्या होता है? शहरी। तो ये अर्बेन का मतलब हो जाता है, अर्बन से ही बना हुआ, जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं। सोफिस्टिकेटेड समझ रहे हो? वही वाले, वो टिश्यू पेपर होगा आपके पास, ठीक है, एक टिश्यू देना प्लीज, ठीक है। अबे टिश्यू क्या, रुमाल निकालो,
और रगोड़ो अपने मुंह में, खत्म कहानी, टिश्यू लेंगे, टिश्यू को भी ऐसे पकड़ेंगे, तौले को भी जैसे केक को टच कर रहे होंगे मुंह को, यूं हल्के 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 हल्के, ठीक है पोछना है पोछो, टिश्यू मिले या रुमाल, ठीक है। फोक्स होंगे, बिना फोक्स से हमें खाया नहीं जाता, ठीक है, या चम्मच, या फिर बिना डीओ के हमें जाया नहीं जाता। तो ये सोफिस्टिकेटेड तौर तरीके। उफ बड़ी गर्मी है यहाँ, एसी नहीं है क्या, ठीक है सर। ये तो आप सारी एग्जांपल लड़कियों की दे रहे हो, लड़कों की लड़के करते ही नहीं है बेचारे, उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं, गधों के पास, ईजा बौजू ऐसे ही दुत्कारते रहते हैं, और जिनके पास पैसे होते हैं वो लड़के ही नहीं होते, बिगड़ैल शहजादे होते हैं। हम मिडिल क्लास के बच्चे, अरे मिडिल क्लास के लड़के बड़े परेशान होते हैं, पूछ लो यहाँ जो बैठे होंगे। ये मैं शहरी लोगों की बात बता रहा हूँ, जो हाई फाई सोसाइटी है, जो अपने को शहरी मानते हैं, हम तो शहरी मानते ही नहीं, हमारा दिल तो गांव के किसी कोने पे ही पड़ा है अभी भी, ठीक है। पोलाइट पोलाइट सो कॉल्ड रिफाइंड, हाँ सोफिस्टिकेटेड वही होता है जो अभी मैंने बताया, हर चीज में ज्यादा ही सभ्यता दिखाने वाला। वो तो उससे नेक्स्ट में क्या लिखा है सोफिस्टिकेटेड के बाद, एक बहुत अच्छा वर्ड है ये आ सकता है, सुआव कहते हैं इसे, सुआव। ये भी वही होता है अरबेन और जो सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। ये आ सकता वर्ड बहुत जगह है, yes, सुआव वर्ड। सोफिस्टिकेशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता नहीं है, ठीक है, पहले माइक बंद करो। सोफिस्टिकेटेड बेसिकली वही होता है जिसमें जरूरत से ज्यादा वो दिखने लगता है, सिविलाइजेशन, मॉडेस्टी, जरूरत से ज्यादा सिविलाइजेशन, ठीक है। तुम्हें अगर मैं सीधे उठा के 5-star होटल में रख दूं, और वो भी ताज या बड़े बड़े जो है होटल, ठीक है, और मौर्य शेरटन टाइप के, और अब ये बताओ कि इसमें तुम्हारा दिल पहले पहले घबराएगा कि नहीं, यार देखूं लोग कैसे खा रहे हैं, ये डिश क्या है, इसे कैसे खाते हैं, अब इसका तो सिरा ही समझ में नहीं आ रहा है, इसे पकड़ के खाते हैं, काट के खाते हैं, इतने सारे तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट रखे हैं मेज में, क्या करना है, चॉप करना है इसे या उस तरह हजामत बनानी है, समझ में ही नहीं आता। कभी हुआ है ऐसा, गए हो किसी 5-star में? अच्छा ये बताओ, पहली बार जब उसमें चढ़े थे एस्केलेटर में, तो कुछ हुआ था? अरे यार क्या करें, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और पहली बार जब वो जहाँ पर खत्म होता है ना, लोग पहले हनुमान जी की तरह पैर मोड़ के ऊपर खड़े हो जाते, या पैर रखना ऊपर नहीं तो मुझे अंदर ही खींच ले जाएगा, ठीक है, देखा तुमने कि नहीं, हनुमान जी की तरह पैर उठा के पहले भड़ाक से उससे पहले ही कूद जाते हैं वो। अब आए दिल्ली वाले, ओ मजे से खड़े हैं, झूल रहे हैं, ठीक है, सिगरेट भी पी रहे हैं, आराम से ऐसे चलते जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अब 2 महीने तुम भी दिल्ली में रहे, तुम भी वैसे हो गए, ठीक है। तो सोफिस्टिकेशन यही होता है, जहां पर जो है आप बड़ा दिखाने को सभ्य बनते हो, दिखाने को तौर तरीके दिखाते हो ऑनलाइन, वो सोफिस्टिकेशन है। सोफिस्टिकेशन एक तरीके से खोखलापन होता है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, जरूरत से ज्यादा चीजें होती हैं उसमें, लोग उसे कहते हैं ये सभ्य हैं, हम रिफाइंड हैं, पॉलिश्ड हैं, ठीक है। अब जो गांव वाले लोग हैं या जो ओरिजिनल लोग हैं, वो सोफिस्टिकेशन को तो गलत ही मानेंगे। मैंने तुम्हें एक कविता सुनाई थी पीटी उषा की, वीरेन डंगवाल की, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है, एक बार सुनाई थी, नए लोग ने सुननी होगी, 4 लाइन है, वो पीटी उषा के लिए लिखते हैं कि क्या प्लेन में यात्रा करते वक्त तुम्हारा पैर मोड़ के सीट में बैठने को मन होता है, मेरी बच्ची तो घबराना मत और पैर मोड़ के ही बैठ जाना, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। क्या तुम्हारा मुंह खाते समय चप चप की आवाज करता है मेरी बच्ची, तो
तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो लोग जबड़े की शांति को सभ्यता करार देते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े खाऊ लोग हैं। Those who regards the silence of jaws as civilization, they are the biggest glutton on earth. बोला आया कि नहीं आया मजा कविता में? तो ये सोफिस्टिकेशन है, और मुझसे तो बिल्कुल पछता नहीं भैया सोफिस्टिकेशन, ठीक है। और जितना सोफिस्टिकेशन मैं आजकल शादी ब्याहों में देख रहा हूँ, वो सोफिस्टिकेशन तो मेरे समझ के भी परे और मेरे दिमाग को भी जो है वो कर देता है खराब, जब मैं उनका सोफिस्टिकेशन देखता हूँ, ठीक है। तो जिस तरीके का सोफिस्टिकेशन हो रहा है, देखो सोफिस्टिकेशन आने का मतलब आपका जड़ों से हटना, ये समझ लो बस। समझ गए कि नहीं? बहुत बढ़िया वर्ड है इसलिए इतना टाइम ले रहा हूं, सुहाव इतना अच्छा वर्ड है सोफिस, बहुत जरूरी है समझना। क्यों? क्योंकि सोफिस्टिकेशन के चलते तुम्हारे वहां मेला संगीत में शगुन गीत खत्म हो गए हैं। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं? हमारे कल्चर में ढोलक होती थी, उसको दो गाने ऐसी जो है बेसुरे गा के साइड कर दिया जाता है, अब चलो रे चलो डांस करो वाला, और शुरू हो जाता है वहां, ठीक है। और फिर जो लोग तुमने एक एक हफ्ते दो दो महीने से तैयारी की है एक डांस टीचर को बुला के, अपने जो है शुरू हो जाते हैं स्टेप दिखाने। मेहंदी की रस्म जो बहुत ही सामान्य और बड़ी मिलनसार हुआ करती थी, अब मिलने और इमोशन से ज्यादा उसमें सोफिस्टिकेशन घुस गया है, फोटो खिंचाने की हो रहती है सबको और डांस करके वीडियो बनाने की। बोलो है कि नहीं? सो व्हेनेवर सोफिस्टिकेशन अराइजेस समवेयर, यू गो अवे फ्रॉम योर रूट्स। कबूतरी देवी के गाने सुनो, वाओ कितने रूट से जुड़े हुए हैं। अब तो समझ गए होंगे सोफिस्टिकेशन? यस सर। अब आते हैं अर्चिन। अर्चिन भी बहुत, ये लिटरेचर में बहुत मिलता है भाई, तुम्हें ये ओलिवर ट्विस्ट में मिलेगा अर्चिन, ठीक है। तो उससे ही समझ जाओ ऑर्फन, ठीक है। स्ट्रे भी इसका एक अच्छा सिनोनिम हो सकता है, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे जो आवारा है फालतू है, ठीक है। फाउंडलिंग भी हो सकता है, तीन काफी है। बोलो क्लियर है अर्चिन? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं टायरो। तो होता क्या है, जब भी कोई आदमी किसी फील्ड में नया होता है तो उसको अनुभव नहीं होता है, और उस समय वो सिर्फ एक दूसरे का मुंह देखता है और वो सोचता है कि कोई मुझे बताए। जब आप सबसे पहले जॉब में जाते हैं तो पहले पहले आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और धीरे 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 एक साल के अंदर आप सारे चीजें सीख जाते हैं, ठीक है। कैसे छुट्टी मारी जाती है, कैसे मिड डे मील से पैसा बचाया जाता है, कैसे जहां सीएल दिखा के अपना ना सीएल कार्ड दी जाती है, रोज प्रेजेंट दिखा के गोल हुआ जाता है। एक साल में तुम हाईली करप्ट बन जाते हो बढ़िया तरीके से, नए नए जाते हो तो बड़े ईमानदार होते हो, ठीक है। सब नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो टायरो वो ही होता है जो बेचारा अभी बड़ा साफ सुथरा होता है। नोवाइस, नोवाइस का मतलब इनएक्सपीरियंस या बिल्कुल नया किसी फील्ड में, ठीक है। नोवाइस बहुत अच्छा वर्ड है, अच्छा वैसे भी आता है सीधे सीधे वर्ड मीनिंग। और नोवाइस का एक और मतलब होता है, एक और सिनोनिम इमैच्योर भी हो सकता है। हाँ, इमैच्योर हो सकता है, अप्रेंटिस हो सकता है। तुमने अप्रेंटिस सुना है? अप्रेंटिस जो सीखता है। Yes, sir. और एक बहुत अच्छा वर्ड दे रहा हूँ जो आ सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, न्योफाइट भी कहते हैं इसे, न्योफाइट। टायरो, ठीक है, इसको गाने से याद कर लो ना। कोई तुम्हारे वहां नया नया टीचर आया या नया है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो तुम एक गाना बना रहे हो टायरो, तुम्हें ये नहीं आयरो,
चलो हम सिखा देते हैं, बस हो गया यार, तुम्हें टायरो, तुम्हें ये नहीं आयरो, चलो हम सिखाए आओ नोवाइस, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है टेम्पोरल, टेम्पोरल भी बहुत बढ़िया है। एक बात बताओ, तुम्हारे कुछ अरमान है क्या एलटी में निकलने के बाद, कुछ जोड़ना ओढ़ना है तुम्हें? सर बहुत सारे, बहुत सारे। ठीक है, शेक्सपियर, शेक्सपियर ने ये वर्ड बहुत यूज किया टेम्पोरल पावर्स करके, ठीक है? तुम्हारे तो अरमान है ही बहुत सारे, ठीक है? लड़कों के भी अलग अरमान है भैया, उनको कोई लड़की पूछ ही नहीं रही है, वो कह रहे पहले गवर्नमेंट जॉब बना के लाओ तभी तुम्हारी शादी होगी, ठीक है? लड़कियों के भैया किसी का ज्वेलरी पे, किसी का कार पे, किसी का घूमने पे, किसी का मकान पे, किसी का सास से दूर जाने पे, ठीक है, कि बढ़िया है छुटकारा मिलेगा करके, तो बहुत सारे अपने अपने एम है। अब भाई जिसके ये जो जो चीजें तुमने जोड़नी है, गलोबंद ठहरा, लंबी वाली जो है मंगलसूत्र ठहरा, या फिर कार ठहरी, घर ठहरी, ये स्पिरिचुअल है या फिजिकल है चीजें? फिजिकल। ये इनकी बहुत उम्र होती है या बड़े टेम्परामेंट टेम्परेरी होते हैं ये? टेम्परेरी होते हैं। तो जो टेम्परेरी होता है भाइयों, उसे कहते हैं हिंदी में सांसारिक, याद रखना, बहुत टेम्परेरी होती है सांसारिक चीजें। आज तुम लेके आए जो है BMW कार, कल पता चल रहा कोई ठोक गया तुम्हारी कार, वहीं खत्म। कल पता चल रहा लुढ़क गई वहां से, वहीं खत्म, कोई भरोसा नहीं, सब सांसारिक है, ठीक है? तो टेम्पोरल हमेशा क्या होता है, याद रखो, जो वर्ल्डली होता है। तुमने सुना होगा एक और अच्छा वर्ड, मैटीरियलिस्टिक, भौतिकवादी। ये भौतिकवादी संसार है, यहां सब लोग सिर्फ भोगने आते हैं, ठीक है? और एक बहुत अच्छा वर्ड बता रहा हूं, एफीमेरल, इसको तो रट लेना, एफीमेरल। एफीमेरल मतलब होता क्षणिक, क्षण भंगुर, जो एक क्षण में खत्म हो सकता है। अंबानी के एंटीला विला जो भी है वो जो है यहीं रह जाएगी, या अंबानी जी अपने सर में ले जाएंगे ऊपर तक? नहीं, मैं तो वहां भी इसी में रहूंगा, ठीक है? ये समझने में लोगों को बहुत मुश्किल होती है, 0.1% लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि दिस दुनिया इज वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक एफीमेरल, ठीक है? लेकिन वो दुनिया जिंदगी भर मटेरियलिस्टिक ही बने रहना चाहते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर एक्चुअली टेम्पोरल बिकॉज दे आर टेम्परेरी इन नेचर, इसलिए ऐसे याद रखो टेम्पोरल, क्लियर है? Yes, sir. जी सर। अब आते हैं टेम्पोरल के बाद थ्राइव। थ्राइव इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव वर्ड, और जब कोई किसी एम के लिए हेड कर रहा होता है, टास्क कर रहा होता है, तो कहते हैं थ्राइव, तब कहते हैं थ्राइव, ठीक है? अब थ्राइव का मतलब, इसका क्या मतलब होता है? थ्राइव का मतलब होता है तुम खूब जो है प्रॉस्परस बनो, फूलो फलो, फ्लोरिश करो, तुम सक्सेस हो, सक्सीड करो, तुम ग्रो करो, ठीक है? ये सब थ्राइव है। व्हेन यू थ्राइव यू ग्रो, व्हेन यू थ्राइव यू सक्सीड, व्हेन यू थ्राइव यू फ्लोरिश योरसेल्फ, तो आप जो है प्रॉस्पर करते हैं थ्राइव में, इसलिए थ्राइव एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव वर्ड है और उसका मतलब है प्रॉस्परस या सक्सीड या फिर ग्रो, क्लियर है? Yes, sir. Tenet. तुमने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स सुना है कभी, लॉर्ड डलहौजी? यस सर, यस सर। राज्य आड़फ नीति सिद्धांत, हाँ जी सर। ऐसे ही कभी तुमने सुना होगा कि
आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सुना होगा कभी, कभी न्यूटन का एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन, ये सब सुना होगा, ठीक है? यस सर। तो देखो होता क्या, टेनेट हमेशा क्या होते हैं, या तो कोई पॉलिसी या डॉक्ट्रिन होती है, या कोई कन्विक्शन होता है, कोई बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है, जिस पे लोग भरोसा करते हैं या जिसको समाज में जो प्रचलित होता है। डॉक्ट्रिन हो गई, कन्विक्शन हो गया, बिलीफ हो गया, एक और अच्छा वर्ड है डॉगमा भी। तो ये टेनेट होते हैं। व्हाट आर द टेनेट ऑफ दिस कम्युनिटी, व्हाट आर द बिलीव्स ऑफ दिस कम्युनिटी, ठीक है? टेनेट, कन्विक्शन, और उसके अलावा डॉक्ट्रिन। आई हैव टू अबाइड विद द टेनेट ऑफ माई कम्युनिटी, ठीक है? मेरी कम्युनिटी का जो बिलीफ सिस्टम है, मुझे उसके साथ चलना, उसके साथ हार्मनी बना के रखनी है, ये टेनेट है। क्लियर हो गया? यस सर। अब आते हैं टेनेशियस। टेनेशियस मैंने करा रखा है, किसी को याद है टेनेशियस? स्टबर्न। क्या बोला तुमने, याद वो नहीं आ रहा है? स्टबर्न, जिद्दी। ज्यादा अच्छा वर्ड है, इससे इसे समझ में आ जाएगा, ठीक है? टेनेशियस बेसिकली एक तरीके से अगर बिल्कुल कहें तो जो अड़ जाता है, जो, ठीक है, जिद्दी कह सकते हो, ज्यादा अच्छा वर्ड क्या, ऑब्स्टिनेट, बहुत अड़ियल, ऑब्स्टिनेट, रिजोल्यूट, RESOLUT, रिजोल्यूट, ठीक है? ऑब्स्टिनेट और रिजोल्यूट, और हिंदी में जिद्दी कर दो, ऑडेसियस भी होता है सर, ऑडेसियस भी कर सकते हो, ठीक है? ऑडेसियस मीन्स तो बोल्ड होता है, सेंस में जाता है। ऑडेसियस पूरी तरह नहीं आ रहा है वैसे टेनेशियस के उसमें, तब भी स्टबर्न आ सकता है, ठीक है? ऑडेसियस उतना नहीं आ रहा। ऑब्स्टिनेट और रिजोल्यूट करो, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है? उसके बाद क्या है, सबसे बढ़िया वर्ड तो अब आ रहा है टैबू। टैबू बहुत आता भैया मेरी ओर से, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो उसे, ठीक है? और आज के इसमें देखो मेरी ओर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुन लो, एक विंडिक्टिव है, एक टेनेट है, एक टैबू है, और एक है अरबेन। ये सारे वर्ड मेरी ओर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? टैबू क्या होता है सुनो, सोशल प्रिहिबिशंस। देखो तुम्हारे इसको एग्जांपल से समझाना पड़ेगा। जैसे आज भी तुम्हारे सोसाइटी में जो है कास्ट सिस्टम, यानी कि दूसरी जाति में ब्याह करना, आज भी बहुत आसान है या बहुत ही उतना मुश्किल है आज भी? मुश्किल है आज भी, और लोग इससे बचते हैं या इसको ज्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि लोगों में अभी जो है इंटरकास्ट मैरिज आज भी टैबू है, यानी वर्जित मानते हैं उसे, और उससे लोगों को अपमान महसूस होता है या उनके लिए लोग कष्ट फील करते हैं। पीछे कोई ऑल इंडिया रेडियो बोल रहा है, उसको बंद कर दें। बीच बीच में ऐसा हो जाता है, मुझे लगता है कि मैं रेडियो स्टेशन में बैठा हूं और पीछे से जो है शुरू हो गए हैं हरीश भीमानी जी, हाँ भाइयों बहनों, सिबा का संगीत माला में आपका स्वागत है, और आज लाए हैं हम लता मंगेशकर की सदाबहार नगमे। ऐसा मत किया करो यार, लिव इन रिलेशनशिप तुम्हारे समाज में खुले दिल से एक्सेप्ट करते लोग?
नॉट है तो शादी नहीं कर पा रहे वो लोग, इस कब तो कैसे करेंगे। देखो ये भी एक टैबू है, है कि नहीं है? ठीक है, आज भी लोगों में ऊंची नीची जात के प्रति और शेड्यूल कास्ट और इन लोगों के प्रति बिल्कुल खुलापन है, या अभी भी उसको मानते हैं गांव में और इधर पूरी तरह फॉलो करते हैं? पूरी तरह फॉलो करते हैं, ये भी एक टैबू है। मैंने तो स्कूलों में ये देखा कि शेड्यूल कास्ट बच्चों के साथ ब्राह्मण और ठाकुरों के बच्चों ने खाने से मना कर दिया। इतने छोटे से माइंड में ऐसी चीजें किसने भरी, समझ रहे हो बात को? किसने भरी? क्योंकि टीचर्स ने भरी या फिर घरों से भरी? क्योंकि देखा तो टीचर भी जो है वहां भोजन माता का बनाया नहीं खा रहे हैं, वो दुकान में जो है बैठ रहे हैं। अरे यार खिमदा के वहां खाते हम, क्यों कहा? अरे वहां सब ऐसे ही लोग बनाते हैं ना। तो ये सब टैबू है भैया आज भी सोसाइटी में, जिसमें लोग खुल के बात नहीं करना चाहते, अपमानजनक फील करते हैं उन चीजों को, और वो इंसल्टिंग लगता है उनके लिए, निषेध कर देते हैं समाज में। तो जो भी चीजें समाज में किसी कम्युनिटी में निषेध होती हैं, क्योंकि लोगों के लिए अपमानजनक कष्टप्रद या फिर आघात देने वाली होती हैं, तो वो सब टैबू में आती हैं। ठीक है, हाँ अपने बच्चे से आप खुले में सेक्स एजुकेशन डिस्कस कर सकते हैं, ना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, बताओ। No, नहीं कर पाते हो, तुम्हारी जुबान ही नहीं खुलेगी, बिकॉज यू आर इन द इम्प्रेशन ऑफ टैबू। तुमने घर में वो सीखा ही नहीं, तुम्हारे घर वालों ने भी ऐसा कभी शेयर नहीं किया ना तुमने, तो तुम इसको अपमानजनक या फिर निषेध ऐसा सोचोगे या फिर कर ही नहीं पाओगे चाहते भी, क्योंकि दे आर फिट इन यूर सबकॉन्सियस लाइक टैबू। ठीक है, तो ये सब टैबू होते हैं, बोलो क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. जी सर। तो टैबू में क्या हो जाएगा, जैसे ये सब फॉरबिडन चीजें हैं जो किसी भी तरीके से आज्ञा नहीं है करने की, निषेध है। फॉरबिडन का मतलब निषेध, बैंड। ठीक है, और प्रोहिबिटेड, सोशली अनएक्सेप्टेबल, सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्यू टू प्रिजुडिस, ड्यू टू प्रिजुडिस बेंट ऑफ माइंड। किसी चीज के बारे में आप पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, वो सब टैबूज है। क्लियर है? Yes, sir. गुड, ठीक है। अब पहला है कि अगर कोई एक व्यक्ति गवर्नमेंट चलाता है, गवर्नमेंट ऑफ वन मैन, तो क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इस सिस्टम को क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। कोई उदाहरण नॉर्थ कोरिया का है तुम्हारे पास उदाहरण? यस सर। क्या नाम है उसका, बोलो? किम जोंग किंग। वो तो अपने परिवार वालों को भी मार चुका है, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अजीब सा आदमी है, लेकिन उसी से पूरी सरकार, बस सरकार इक्वल टू किम जोंग, समझ गए? गवर्नमेंट बाय वन मैन, ऑटोक्रेसी। वन हु इज फॉन्ड ऑफ, बताओ ये किसका शौकीन है? फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, इसको लड़ाका कहते हैं, लड़ाका। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये सिनोनिम में भी आएगा, मेरी तरह से इंपॉर्टेंट है, बेलिकोज। वॉरियर, फाइटर, लड़ाका, तो याद रखना बेलिकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिनोनिम ऑल्सो। ठीक है, हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, ग्लेडिएटर होता है, हो सकता है इसका बेलिकोज।
क्या हो सकता है? ग्लेडिएटर सर। ग्लेडिएटर हाँ हो सकता है। बस ग्लैडिएटर और बेलिकोज में एक यही फर्क होता था उन दिनों कि ग्लैडिएटर दूसरे की इच्छा के अनुसार लड़ते थे, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। अब बेलिकोज जो है फ्री है, लेकिन आप ग्लैडिएटर को ला सकते हो अगर सिनोनिम कोई नहीं है और ये ग्लैडिएटर है। मैं तो खैर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और एक बहुत शानदार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका आ रहा है और उससे कई चीजें निकल आएंगी। जैसे हु लव्स बुक्स, बाइब्लोफाइल, बिब्लियोफाइल। अब देखो ये पूरा प्रीफिक्स में बेस्ड चीज है। आपने बिब्लियोग्राफी सुनी है? बिब्लियोग्राफी, यस सर। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी होती है किताबों की एक लिस्ट। मैं बता रहा था कहां से कहां बात चली गई, तो किताबें पढ़ने से दूर हट गए लोग और ये पूरा वर्ड कोई वर्ड नहीं है अपने आप में, केवल प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का जोड़ है। देखो जहां पर भी बिब्लियो आपको मिले तो समझ लेना रिलेटेड टू बुक, वहां बुक से ही रिलेटेड चीजें होंगी और कोई मतलब ही नहीं होगा। और जहां फाइल या फिल मिले, ये फिल से आता है और इसका मतलब होता है टू लव, तो वन हु लव्स द बुक। और अब देखो मैं यहीं से फिल को आगे ले आ रहा हूं, लव तो यहीं पर हो गया और फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिल लव हो गया और एंथ्रोप आया है एंथ्रोपोस से और एंथ्रोपोस होता है ह्यूमन बीइंग और इस्ट होता है, इस्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो तुम ये मत कहना एक गोलू एक गंगनाथ, ये नहीं होता। इस्ट के मतलब होते हैं या तो आपका जो है वन मैन वो वर्ल्ड के हिसाब से लगता है या कोई एक्सपर्ट। तो यहां पर अ मैन हु लव्स, फिल मीन लव होता है ह्यूमन बीइंग, तो फिलेंथ्रोपिस्ट वो होता है जो परोपकारी लोगों को प्यार करने वाला, लोगों के प्रति जो है प्यार सद्भाव रखने वाला होता है। समझ रहे हो? देखो फिल से कैसे चीजें बन रही हैं, ठीक है, समझ गए? यस सर, यस सर। अब तुम कहोगे एंथ्रोपोस से भी बना दो, यहीं पर उल्टा हो जाएगा मिज़ेंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोपोस ह्यूमन बीइंग, इस्ट वन मैन, मीजो का मतलब होता है टू हेट, फिल का उल्टा होता है मीजो, वन हु हेट्स मैनकाइंड, ये आतंकवादी या लोग मारने वाले एक दूसरे को कत्लेआम मचाने वाले, दे हेट मैनकाइंड, तो ये मिज़ेंथ्रोपिस्ट होते हैं जो मैनकाइंड से नफरत करते हैं। जो लव करेंगे वहां फिल आ जाएगा, जहां हेट होगा वहां मीज आ जाएगा। क्लियर है? मीजो या मी, तो ये है। अभी इस पे अभी मैं एक लेसन लेने वाला हूँ पूरा, फिलहाल मैंने तुम्हें हिंट बताया कि खाली अगर प्रीफिक्स सफिक्स हो तो मैं वर्ड का नेचर ही पूरा बता सकता हूँ और उससे मेरा सिनोनिम फाइंड करने में बड़ी आसानी हो जाती है। बोलो क्लियर है? यस सर।